भारतीय जनता युवा मोर्चा का इनिशिएटिव है कि रक्तदान करना है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह का इस महामारी में कोई ना कोई दान किया, राशन दान किया, मास्क दान किया, फिर आपने देखा लोगों को अवेयर किया, घर घर जाके अवेयर किया कि इस बीमारी से कैसे बचना है। उसको देखते हुए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण देव जी, जब उनको पता चला कि रक्त की बड़ी कमी आ रही है हॉस्पिटलों में, क्योंकि कुछ लोग पूंछ से आते हैं, रजौरी से आते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो अपने साथ डोनर नहीं ला पा रहे और आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन बंद है। जिसको देखते हुए जो उन्होंने एक फैसला लिया कि हम हर वॉलंटियर्स को बोलेंगे कि अपने जिला में एक एक कैंप लगाएं और मिनिमम 100-100 यूनिट करें। अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया कि एक कैंप में आप 30-40 से ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन अभी जो नई शिक्षा है उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो जिसको देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि हर जिले में हम 5 कैंप लगाएंगे, तो ये हमारा 8वां कैंप है। ये हमारी जो कंपेन थी ये तालाब पिलो सरवाल से शुरू हुई थी, आज ये 8वां कैंप है और यहाँ पे हमारी अध्यक्षता है, जो अध्यक्ष है रजत जी, इन्होंने ये कैंप लगवाया है। यहाँ पे आज पहला कैंप है, 2-3 दिन बाद दूसरा होगा, ऐसे देखते देखते हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ब्लड